देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। रद्द किए जाएंगे शराब दुकान और बार के लाइसेंस। गैलरी से गिरकर बालक की मौत। शहर में सब खुल गया पर एसटी बस नहीं बढ़ी। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। गंगा जमुना के देह व्यापार अड्डे को बंद करने में जुटी पुलिस आबकारी विभाग से परिसर की शराब दुकान और बार के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करने वाली है। लकड़गंज पुलिस ने शुक्रवार को इस आशय का प्रस्ताव पुलिस आयुक्तालय को भेजा है। यहां से प्रस्ताव आबकारी विभाग को भेजा जाएगा। इसी बीच लकड़गंज पुलिस ने देह व्यापार के लिए इस्तेमाल एक मकान को आज सील कर दिया। ज्ञात हो कि शहर पुलिस जन भावनाओं के मद्देनजर देह व्यापार के अड्डे को बंद कराने में जुटी हुई है। 11 अगस्त की रात परिसर की गलियों को सील कर धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत बाहरी लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई। बाहरी लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए बैरिगेट लगाए गए हैं। इलाके में 2 शराब की दुकान, 1 बार तथा बियर शॉपी है। इन्हें कानूनी व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने बंद कराने का फैसला लिया है। लकड़गंज पुलिस ने शुक्रवार को आबकारी विभाग को उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। दूसरी खबर, अजनी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर इलाके में एक घर की गैलरी में खेल रहे 2 साल के बालक की पहले मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक का नाम आरो विकास दुपारे है। आरो बुधवार की शाम 6 बजे घर के पहली मंजिल स्थित गैलरी में खेल रहा था। वह गैलरी में लगे पाइप पर चढ़ गया। इसी दौरान संतुलन छूट जाने से पीछे गिरकर जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां से मेडिकल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से आरो के माता पिता गहरे सदमे में है। परिसर में भी शोक की लहर फैली हुई है। अजनी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। तीसरी खबर, दूसरी लहर के पीक समय शहर में 200 बसें दौड़ रही थी। आज बाजार, होटल सहित सभी सेवाएं खुल गई है, परंतु बस सेवा शुरू करने के नाम पर प्रशासन और पदाधिकारी मौन साधे हुए हैं। प्रशासन आपली बस सेवा को घाटे का बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, जबकि मुंबई, पुणे, नासिक सहित राज्य के हर बड़े शहरों में बस सेवा पूर्ववत कर दी गई है। जब भी बस बढ़ाने की बात नागरिक करते हैं तो महानगर पालिका अपनी आंख पर पट्टी बांधकर एक ही रट लगाती है, बस सेवा घाटे में है, बस सेवा घाटे में है। जबकि महानगर पालिका लोगों से विविध टैक्स वसूल करती है, बस सेवा पूरी क्षमता से बहाल नहीं हो पाना सत्ता पक्ष की नाकामी दर्शाता है। 360 बसों का संचालन हो रहा था। पहली लहर में लगभग 7 महीने तक बसों के पहिए थमे रहे, उसके बाद से बस सेवा पटरी पर नहीं लौट पाई। वर्तमान में 200 बसों का संचालन हो रहा है। फेरियों में भी कमी हो गई है। दोपहर 4 बजे तक मार्केट खुला रहता है, तब भी इतनी ही बसें चल रही थी। अब समय बढ़ चुका है, इस वजह से बसें बढ़ानी पड़ेगी। दर्जनों मार्ग ऐसे हैं जिन पर बस सेवा बहाल करने की मांग हो रही है। IBTM ऑपरेटर डीम्स टस से मस नहीं हो रहे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।